जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा था, उसके डिफिनेशन को देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि आपका यहाँ पर बेसिक यहाँ पर चल रहा है उसका। तो जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इफ़ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए गिवन नंबर आर निगेटिव, देन द नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यानी यदि वर्गमूल में दिया गया संख्या ऋणात्मक हो तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। ये तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर 2 है, इसमें माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे रूट अंडर -3, रूट अंडर -7। तो यानी कि अगर कोई भी नंबर हो जो कि रूट के अंदर हो, जैसे कि 6 है और इसके साथ माइनस लगा हो, तो ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि काल्पनिक संख्या होगा। तो ये तो आसानी से आप समझ चुके होंगे, कोई भी हो सकता है, रूट अंडर के अंदर होना चाहिए, और उस जैसे कि 10 भी हो सकता है, बस इसके साथ माइनस लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के अंदर, जिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा और वो बहुत ही नेसेसरी है आपको जानने के लिए। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का बीज गणित, ठीक है। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे चीज़ों को आप लोगों को जानना है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को जानना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। तो दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो उसका योग कैसे निकालेंगी, ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या है, ये हमने समझ लिया। यानी कि जो भी अगर आपका जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, यानी कि एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो, दोनों नंबर से मिला करके जो नंबर बनता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम लोग सम यानी कि जोड़ कैसे प्राप्त करेंगे, यही हम लोगों को यहाँ पर जानना है। तो देखिए, मान के चलिए यहाँ पे हमने मान लिया लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, ठीक है। जहाँ पे ए आपका रियल है और आई बी कॉम यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी है, और यहाँ पे सी रियल है और आई डी क्या है, इमेजिनरी है। तो बी एनी टू एग्जाम्पल सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द सम ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। जैसा कि हमने आपको बताया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कैसे हम लोग जोड़ेंगे, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो इज डिफाइंड एज फॉलोज, तो कैसे उसको जोड़ते हैं ध्यान दीजिए। तो जेड वन प्लस जेड टू जो हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, रियल में रियल से ऐड करेंगे। क्यों क्यों करेंगे, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो जैसा होता है वो उसी के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रियल है तो ये रियल के साथ ही जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट वाले का ए रियल है और सेकंड वाले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सी रियल है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस सी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और प्लस आई को कॉमन कर लेंगे, यानी कि दोनों इमेजिनरी को उसके बाद ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाला आई बी है और सेकंड वाला आई डी है, ठीक है। तो दोनों में आई कॉमन कर लिए यहाँ पर, तो बी प्लस डी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो विच इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड फाइंड कर रहे हैं तो अगर उसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर्स आएगा वो दोबारा फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए कुछ फॉर एग्जांपल हम लोग इसको समझते हैं। अगर जेड वन इज इक्वल टू आपका है यहाँ पे 2 प्लस आई 3, ठीक है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, और जेड टू इज इक्वल टू है आपका यहाँ पर -6 प्लस आई 5, ठीक है। तो ये भी आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जेड वन जेड टू इसीलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक का नाम जेड वन ले लेते हैं और दूसरा का नाम जेड टू ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग जेड वन एंड जेड टू लिए हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों का हम लोग सम यहाँ पर फाइंड करके यानी कि एडिशन फाइंड करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है यहाँ पर रियल नंबर ये है और इसका रियल नंबर ये है, तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 प्लस -6 है तो -6, और प्लस आई दोनों में कॉमन हो गया, जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी को दोनों को एक साथ लेंगे, तो आई कॉमन हुआ तो 3 और +5 हो गया, तो 2, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 माइनस 6 होगा, तो 2 माइनस जब 6 होगा यहाँ पे 2 माइनस 6
तो यहाँ पे टू के सामने प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि टू में से सिक्स गया फोर, और बड़ा वाला के साथ माइनस है तो माइनस फोर, तो यहाँ पे माइनस फोर और ये थ्री और फाइव मिलके एट, तो माइनस फोर प्लस आई एट हो गया। तो इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो आपका ये रिजल्ट लास्ट में आया है ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी आपको दिख रहा होगा, इसीलिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ हम लोग नोट को समझते हैं। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एडिशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और उसको हम लोगों को समझना है वो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट में आता है आपका क्लोजर लॉ, यानी कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो एक फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वो हमारा क्लोजर लॉ कहलाता है। ये एक लॉ है जिसका नाम होता है, अगर दो कोई हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको ऐड करते हैं तो फिर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो क्लोजर लॉ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा है जेड वन एंड जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर था और दोनों को ऐड किए हैं तो फिर से हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्लोजर लॉ फुलफिल कर रहा है। चलिए उसके बाद नीचे आपका यहाँ पर दिया होगा डैट इज जेड वन प्लस जेड टू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, यानी कि जेड वन प्लस जेड टू जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और फॉर ऑल यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड में आपका है यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, यानी कि जेड वन प्लस जेड टू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इज इक्वल होता है जेड टू प्लस जेड वन के, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि कोई नंबर है अगर टू प्लस थ्री हम लोग करते हैं और फिर यहाँ पे थ्री प्लस टू करते हैं तो इधर भी हमारा फाइव आएगा और इधर भी फाइव आएगा, तो वैसे ही यहाँ पे पहले टू प्लस थ्री किए इसके बाद थ्री प्लस टू किए, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर जेड वन प्लस जेड टू करते हैं तो जो आएगा हमारा तो जेड टू प्लस जेड वन करेंगे तो फिर वही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिव लॉ को भी फुलफिल करता है, तो इसको हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ बोलते हैं। चलिए थर्ड में हम लोगों को जानना है एसोसिएटिव लॉ, तो फोर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, चलिए तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो आपका होता है, थ्री कोई हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, ये आपका जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो क्या किए हम लोग जेड वन और जेड टू को एक साथ ऐड कर लिए, तो दोनों को ऐड करने के बाद मान के चलिए कोई नंबर्स आया, जैसे कि यहाँ पर टू थ्री और फोर ले लिए, ये जेड वन जेड टू जेड थ्री, थ्री नंबर यहाँ पर समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार टू और थ्री को ऐड किए तो हमारा फाइव आया, और एक बार फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद जो आया उसमें फोर को ऐड कर दिया, तो फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका नाइन, तो ये तो आपका नाइन आ गया टोटल। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जेड वन जेड टू को ऐड किए थे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर जेड टू जेड थ्री को ऐड करेंगे, तो थ्री और फोर ऐड करेंगे जेड टू जेड थ्री, तो ये आ जाएगा सेवन, और प्लस जो बच गया जेड वन उसको ऐड कर देंगे तो टू इज इक्वल टू अगेन नाइन, यानी कि दोनों कंडीशन में नाइन आ रहा है यानी कि इक्वल आ रहा है, तो वही होता है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, तो ये दोनों ब्रैकेट में इसको पहले ऐड करेंगे और बाद में जेड थ्री को, तो जो आएगा तो यहाँ पे जेड वन को छोड़ देंगे और जेड टू जेड थ्री को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें जेड वन से ऐड करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। चलिए उसके बाद हम लोगों को जानना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आई जीरो डिनोट्स ए जीरो डिनोटेड ए जीरो कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस आई जीरो, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है जीरो प्लस, अगर आई जीरो हम लोग करते हैं उसको डिनोटेड करते हैं जीरो से, तो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और द जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यानी कि कोई ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, ठीक है, कोई भी दे सकता है, जैसे कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें हम लोग जब जीरो से क्या करते हैं, जीरो से क्या करते हैं अगर इसमें हम लोग ऐड करते हैं तो फिर हमारा जितना रहता है उतना ही आ जाता है, तो इसको हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को फाइव में जानना है, जो फाइव नंबर प्रॉपर्टीज होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि अगर कोई हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, माना चलिए ए,
तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि एडिटिव इन्वर्स यानी कि उसका उल्टा, जैसे कि दो है तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद जीरो आ जाए। एडिटिव इन्वर्स में वही होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो उसको उसका उल्टा वो नंबर होता है जो दोनों को ऐड करने पर जीरो दे दे। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये तो समझने के लिए था। तो टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ए प्लस आई माइनस बी डिनोट्स एज माइनस जेड, कॉल द एडिटिव इनवर्स और निगेटिव ऑफ जेड। वी ऑब्जर्व डैट जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल आपको बताया है, सेम कॉन्सेप्ट पे आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स काम करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी समझा जो कि आपका एडिटिव, यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी जो समझा एडिटिव, एडिटिव आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो फुलफिल करता है वो हमने सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने समझा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो जैसे कि हमने दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ देखा है वैसे ही अंतर इसको हम लोग देखेंगे, बट इसमें जो प्रॉपर्टीज है आपका वो प्रॉपर्टीज नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर लेट एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन एंड जेड टू, देन डिफरेंस जेड वन एंड जेड टू इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो जब हम लोग डिफरेंट उसका निकालेंगे जेड वन एंड जेड टू का, तो हम यहाँ पे दिया गया है तो जेड वन प्लस माइनस जेड टू, यानी कि माइनस को क्या करते हैं ये जेड टू के साथ ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका डिफाइंड होता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब हम लोग समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर वन में लेट माना हमने जेड वन इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री आई एंड जेड टू इज इक्वल टू जेड टू माइनस आई, ठीक है। तो देखिए, जब इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे जेड वन माइनस जेड टू, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला है तो सबसे पहले तो फोर प्लस थ्री आई यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे और माइनस है तो माइनस, और टू माइनस आई यहाँ पे इधर लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो फोर प्लस थ्री आई जैसे है वैसे का वैसे लिख दिए हम लोग, और जैसा कि हमने यहाँ पर डिफाइंड जैसे होता है यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस यहाँ प्लस है टू के साथ तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ माइनस है आई के साथ तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि हमने प्लस वाले को बनाया था बिल्कुल वैसे इसको बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है, तो रियल को एक साथ लेंगे तो फोर और माइनस टू एक साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी को एक साथ लेते हैं तो आई कॉमन हो गया और थ्री प्लस वन हो गया, ठीक है, क्योंकि आई की जगह पर वन है, वन से मल्टीप्लाई हुआ है जो कि छिपा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फोर में से टू गया टू और थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर आई, तो ये भी आपका एक जो आया है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। चलिए, एक लास्ट एग्जांपल है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लेट जेड वन इज इक्वल टू टू माइनस आई है एंड जेड टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री आई है। तो जेड वन माइनस जेड टू निकालेंगे तो सबसे पहले तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो जेड वन की जगह पे क्या है टू माइनस आई, तो टू माइनस आई लिख लिया, और माइनस यहाँ बीच में है तो माइनस, और सिक्स प्लस थ्री आई यहाँ पे है तो इसको लिख लिया, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया है बीच में यहाँ पे प्लस हो जाता है बिकॉज ये डिफिनेशन होता है आपका डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का। जेड वन माइनस जेड टू जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है जेड वन प्लस माइनस जेड टू, यानी कि ये माइनस जो होता है इसके साथ कॉमन में आ जाता है, सॉरी कोस्ट में आ जाता है ब्रैकेट में, और ये इसमें बीच में प्लस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर टू माइनस आई है तो उसको उतना ही लिख दिए, और ये माइनस की जगह प्लस ले लिए और ये माइनस को अंदर डाल दिए, ठीक है। तो अंदर जब भेजेंगे तो माइनस प्लस माइनस सिक्स हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस थ्री आई हो जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, ये रियल को दोनों को एक साथ लेंगे तो ये रियल है टू माइनस सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस है तो बीच में प्लस, और आई आपका यहाँ पे कॉमन है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस सिक्स, सॉरी यहाँ पे है आई, आई यहाँ पे है और यहाँ पर भी आपका आई है, ठीक है। तो माइनस वन हो जाएगा और माइनस थ्री, तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो टू में से सिक्स गया फोर और बड़े वाले के साथ माइनस है तो माइनस फोर, और प्लस आई और माइनस माइनस प्लस होता है तो थ्री और वन मिलकर के फोर हो गया तो माइनस फोर, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। चलिए, तो यहाँ पर माइनस फोर और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो गया तो यहाँ पे आई फोर, तो ये माइनस फोर और माइनस फोर आई, तो ये भी जो आपका यहाँ पे हम लोग जब डिफरेंस फाइंड किए हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ठीक है।
तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा यहाँ पे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग फिर आगे की ओर समझेंगे। तो अब तक के लिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम लोग डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।